मैं आज आपको रोबोटिक सर्जरी या रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अगले कुछ समय में मैं आपको ये रोबोटिक सर्जरी होता क्या है एंड ये जो ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कैसे बेहतर है वो बताना चाहता हूँ। कोई भी मरीज जो पेट का समस्या से हमारे पास आता है एंड जिसको सर्जरी का आवश्यकता होता है तो हम उनको तीन विधान से वो ऑपरेशन कर सकते हैं। जो पहला विधान होता है या ओपन या जो ट्रेडिशनल सर्जरी, दूसरा लैप्रोस्कोपिक और कीहोल सर्जरी एंड तीसरा जो नया आविष्कार हुआ है वो है रोबोटिक सर्जरी। जैसे आप सबको पता है कि जो ओपन सर्जरी है उसमें स्पेशली जो पेट का समस्या के लिए अगर हमने ऑपरेशन करना है तो काफ़ी बड़ा सा चीरा लगाना पड़ता है। जब बड़ा सा चीरा लगता है तो डेफिनेटली पेन ज़्यादा रहता है, जिस पेन की वजह से काफ़ी समय तक हमें जो पेन कम करने के लिए जो दवाइयाँ देना पड़ता है तो ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होता है। एंड उसके अलावा ऊन इन्फेक्शन, जो जख्म का इन्फेक्शन जो बोलते हैं, उसका रिस्क भी ज़्यादा रहता है एंड देखने के लिए भी एक स्कार जैसा जो अच्छा नहीं दिखता है। ये सभी कमियां पूरी करने के लिए जो आविष्कार हुआ था वो था कीहोल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें ये जो ओपन सर्जरी का काफ़ी कमियाँ को पूरा किया, लेकिन इसका भी कुछ न्यूनता था। जैसे कि कोई क्रिटिकल एरियाज में अगर हमने सर्जरी करना है, जैसे पेट का, जो लैप्रोस्कोपी से काफ़ी मुश्किलात होती है एंड दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट हम जो साधन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो मूवमेंट होता है अंदर काफ़ी लिमिटेड मूवमेंट होता है, तो इसके लिए कुछ क्रिटिकल सर्जरीज में हमें काफ़ी मुश्किल होती है। इन सभी कमियाँ पूरी करने के लिए जो नया आविष्कार हुआ था वो तीसरा है कि रोबोटिक सर्जरी और रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। इसमें ये सभी कमियां जो ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक की सर्जरी की जो भी कमियां हैं उसको पूरी करते हुए और भी काफ़ी बेहतर एडवांसमेंट लेके आया है रोबोटिक सर्जरी। जब हम मरीजों को रोबोटिक सर्जरी या रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो उनका मन में ये ख्याल आता है कि या सर्जन ऑपरेशन करता है या कोई रोबोट ऑपरेशन करता है, तो वो शंका मैं दूरी करना चाहता हूँ कि जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं इसमें सर्जन ही ऑपरेशन करता है, बट डेफिनेटली जो सर्जिकल रोबोट को इस्तेमाल करते हुए इसका ये फायदा रहता है कि जब हम सर्जिकल रोबोट्स को इस्तेमाल करते हैं कि एक होता है कि जो मैग्निफिकेशन, जो सर्जिकल रोबोट का मदद से हम 10 गुना ज़्यादा पेट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर से उसको बेहतर देख पाते हैं एंड जब हम बेहतर देख पाते हैं तो डेफिनेटली हम अच्छे से सर्जरी कर पाते हैं। इसके अलावा एक डेप्थ परसेप्शन बोलते हैं वो भी सर्जिकल रोबोट की मदद से काफ़ी अच्छा होता है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा जो साधन है, जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं जो रोबोटिक सर्जरी का जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये एक प्रिंसिपल हम बोलते हैं एंडोरिश टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं। इस एंडोरिश टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो सर्जिकल रोबोट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेट के अंदर जब हम सर्जरी करते हैं, जैसे हमारा रिस्ट मूवमेंट होता है उस ऑलमोस्ट 7 टाइप का मूवमेंट्स हम अंदर कर सकते हैं। इससे जो भी हम अंदर ऑर्गन्स को काटना है या जोड़ना है, जिधर भी सिलाई करना है, ये ऑलमोस्ट जैसे ओपन सर्जरी का लेवल पे आके हम कर सकते हैं इस सर्जिकल रोबोट के माध्यम से। इसके अलावा इसका काफ़ी नए आविष्कार है इन द फॉर्म ऑफ फायरफुल टेक्नोलॉजी करके बोलते हैं या स्मार्ट फायर कॉटेज टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी काफ़ी कुछ एक नया आविष्कारों के साथ आता है कंपेयर टू ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो ये डेफिनेटली ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के तहत काफ़ी अच्छा माना जाता है एंड इसका पूर्ण करने के लिए हमारा देश का डेटा भी और इवन इंटरनेशनल डेटा भी, चाहे वो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हो या रिकवरी हो, वो डेफिनेटली ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बेहतर है एंड मुझे लगता है कि हर मरीज क्यों ना इसका लाभ उठाए एंड जब भी अगर आपको कोई भी अपना सर्जिकल प्रॉब्लम के लिए कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो ज़रूर आप रोबोटिक सर्जरी का एज एन ऑप्शन आप ज़रूर पूछिए एंड आई थिंक आपका सर्जन आपको इसमें डेफिनेटली मदद करेंगे कि जो आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो ऑप्शन चुनने में। धन्यवाद।